पर सबसे पहले साउंड चेक कर लीजिए, एक बार सबसे पहले सभी लोग साउंड चेक। गुड इवनिंग सभी को, कर लीजिए एक बार, कुछ डिस्टरबेंस तो नहीं प्रेजेंट है, साउंड का इशू तो नहीं है कोई, देख लीजिए एक बार। ठीक है ना? अभी चेक करो यार, अभी माइक बदला है, अब आना चाहिए आवाज। ठीक, अभी चेक करिए जरा एक बार, अभी एक बार चेक कर लो फटाफट, कोई इशू तो नहीं है, अब देखिएगा आप, अभी कोई इशू आ रहा है क्या? अभी भी साउंड में क्लियर हुआ कि नहीं? अभी क्लियर है ना? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है, चलो चलो, माइक का इशू होगा, ठीक है ना? चलिए जरा स्टार्ट करते हैं आप। क्लियर है? चलो ठीक है ना? अब नहीं आएगी, अभी अजीब आवाज। चलो अपन स्टार्ट करते हैं ड्राइंग से। ड्राइंग की बात करेंगे अब, इजी टॉपिक है, ठीक, इजी है, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चीजें, ठीक, चीजें हैं फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन थोड़ी सी थ्योरी समझा देते हैं ना, थ्योरी भी समझना जरूरी है यार, ठीक।
किसी चीज़ की स्टार्ट करेंगे बेसिक से करेंगे, है ना। देखो जरा, देखिए ड्राइंग मतलब क्या भाई, ड्राइंग मतलब सभी जानते हैं, सब लोगों ने कपड़े तो सुखाए ही, सुखाए हैं कि नहीं, कपड़े सुखाए हैं कि नहीं भाई। गीले कपड़े कहाँ डालते हो, वहाँ डालते हो सूखने के लिए, बस वही है ड्राइंग। क्या करना है आपको, ड्राइंग मतलब बेसिकली मतलब क्या होता है कि यू हैव टू रिमूव ऑफ मॉइस्चर, मतलब पानी निकालना है सीधे सीधे। रिमूवल ऑफ, अरे यार 2015 वाला क्वेश्चन मेरे पास है नहीं एक्चुअली, वो लेते हैं उसको, है ना, ले लेंगे ड्राइंग खत्म करने के बाद लेता हूँ, है ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। क्लास के तुरंत बाद ही उसको मैं अपनी पेन ड्राइव में डाल लूंगा। सो रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड इज ड्राइंग, ठीक, रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड। अब आपने देखा होगा एक चीज, हाँ 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 यार आर्यन मैं भूल गया बिल्कुल, पर ड्राइंग कल खत्म होगा ना ड्राइंग, उसके बाद तुरंत वो क्वेश्चन लूंगा, आज ही मैं उसको पेन ड्राइव में डाल लूंगा अपने, बिल्कुल ध्यान नहीं रहा मुझे ना। चलो अभी ध्यान दो यहाँ पे, ड्राइंग के लिए आप अगर देखेंगे तो कपड़े समर्स में जल्दी सूखते हैं या ये जो करंट रेनी सीजन चल रहा है उसमें ज़्यादा इजीली कपड़े सूखते हैं, बताइएगा किस सीज़न में आपको लगता है कि कपड़े जो हैं आसानी से सूखते हैं। भाई ड्राइंग करना मतलब क्या, आपके कपड़े हैं सॉलिड, ठीक, अब उसमें से आपको निकालना है मॉइस्चर, तो आप उनको बाहर डालते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखते हैं कि समर्स में हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वेयर एज आपके जो रेनी सीजन होता है उसमें कपड़े कैसे दिक्कत करते हैं, ठीक है ना, क्यों होता है वैसा, वैसा क्यों हो रहा होता है कोई बताएगा मुझे कि यार कपड़े सुखाना समर्स में आसान क्यों है और अपना रेनी सीजन में डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, अपने कपड़े सूखने के लिए टाइम ज्यादा क्यों लगता है, ऐसा क्यों हो रहा होता है। वही है आपका ड्राइविंग फोर्स फॉर क्या, ड्राइव, जो चीज आप बोलेंगे वही हमारा ड्राइविंग फोर्स कहलाए। हाँ समर सीजन में इजी होता है, क्यों होता है समर सीजन में इजी, विंटर्स या अपना रेनी सीजन में दिक्कत क्यों आती है कपड़े सूखने में, रेनी सीजन में दिक्कत क्यों आती है बताइएगा। हाँ सही कह रहा हूं यार, रेनी सीजन में क्या रहता है, अब मॉइस्चर है आपका सॉलिड में, आप कपड़े सुखा रहे हैं, मॉइस्चर प्रेजेंट है आपका सॉलिड में, तो भैया सॉलिड में से आपको मॉइस्चर निकालना है, ठीक, तो वो मॉइस्चर कहीं तो जाएगा, वो मॉइस्चर कहीं तो जाएगा, अब ऐसा तो होगा नहीं मॉइस्चर निकाला और आप रख लेंगे उसको, वैसा तो होगा नहीं, तो वो मॉइस्चर कहां जाता है, सराउंडिंग एयर में जाता है, ठीक है ना। हाँ हाँ सही कह रहे, सभी सभी लोग सही, ठीक है ना। हाँ तो आपका जो सॉलिड जो मॉइस्चर है वो निकल के कहाँ गया, सराउंडिंग एयर में, ठीक। अब रेनी सीजन में ऑलरेडी एयर इतनी मॉइस्ट होती है, एयर आपकी मॉइस्ट रहती है ऑलरेडी, ठीक, तो यार एक हद से ज्यादा पानी सॉलिड से निकल के एयर में नहीं जा सकता क्योंकि एयर में ऑलरेडी वेपर्स प्रेजेंट है भाई, एयर की भी एक कैपेसिटी है ना कि वो उतना ही मॉइस्चर होल्ड कर सकती है, एक फिक्स्ड अमाउंट है ना। अब आपको रेनी सीजन में बारिश हो रही है, ऑलरेडी वाटर वेपर्स प्रेजेंट है एयर में, आपको अपने कपड़े भी सुखाने हैं, सो कपड़ों से निकल के जो मॉइस्चर होगा वो एयर में जाएगा, तो एयर ऑलरेडी मॉइस्ट है तो कहां से ज्यादा वेपर ले पाएगी वाटर का, इसलिए रेनी सीजन में डिफिकल्ट होता है, ठीक है, रेनी सीजन में डिफिकल्ट रहता है, क्लियर है कि नहीं ये बात। सो बस ये बेसिक सी चीज है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग देखते हैं।
हम जनरली अपने कोर्स में बात करेंगे ड्राइंग ऑफ सॉलिड्स की, हम लोग बात करेंगे क्या ड्राइंग ऑफ सॉलिड, हमारे कोर्स में सिर्फ सॉलिड को ड्राई करना है, ठीक। देखिएगा जरा मैकेनिज्म क्या है। तो आप कपड़े कैसे सुखा रहे थे, कपड़े आप सुखा रहे थे आपके जो कपड़े थे वो एनवायरमेंट में रख के, एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट है, अगर एयर गर्म होगी वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होगी तो ज्यादा अच्छे से ड्राइंग होगा, ज्यादा जल्दी ड्राई होगा। एयर अगर मॉइस्ट होगी पहले से तो ड्राइंग डिफिकल्ट होगी, ठीक है ना, ड्राइंग डिफिकल्ट होगी, ठीक। सो मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग क्या है, आप सुखा रहे कैसे सुखा रहे हैं किसी भी चीज को, अगर कोई भी सॉलिड है आप उसको सुखाएंगे कैसे, आप उस सॉलिड को हॉट एयर में रखेंगे, सॉलिड लेंगे उसके ऊपर से आप हॉट एयर पास करेंगे, ठीक है ना, या हॉट एयर कह लो या हॉट गैस कह लो, ठीक। सो आप क्या करते हैं, मैकेनिज्म आप ड्राइंग में करते क्या है, सबसे पहले पासिंग हॉट एयर ऑन द सॉलिड, सॉलिड के ऊपर हॉट एयर पास करते हैं, ठीक है ना। गुड इवनिंग आकांश, गुड इवनिंग है, ठीक है ना। तो आप हॉट एयर पास करते हैं कहां पे, सॉलिड के ऊपर, ठीक। अब देखिए होता क्या है, दो तरीके के मैकेनिज्म्स, क्या भाई इनिशियली है लकड़ी, मान लो आप एक लकड़ी को सुखाना, पूरी आपने एक लकड़ी उठाई है वुड, उसको डाला पानी में और कुछ टाइम बाद निकाल दिया, ठीक है ना, कुछ टाइम बाद निकाल दिया। अब इनिशियली क्या रहेगा, लकड़ी पूरी यूनिफॉर्मली पानी से गीली रहेगी, ठीक, यूनिफॉर्मली कवर्ड है वाटर से, उस पर आप हॉट एयर पास कर रहे हो, ठीक। तो इनिशियली क्या होगा, अब लकड़ी में दो चीजें होंगी, लकड़ी पूरी यूनिफॉर्मली कवर है पानी से, प्लस जो वाटर है वो लकड़ी के अंदर भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक, लकड़ी के अंदर जो पोर्स रहते हैं उसमें भी वाटर प्रेजेंट रहता है, ठीक। तो आप लकड़ी को गीली करते हैं, बाहर निकालिए तो आप देखेंगे कि लकड़ी का पूरा जो सरफेस है दैट इज यूनिफॉर्मली कवर्ड विथ वाटर, ठीक, लेकिन वाटर अंदर भी प्रेजेंट होता है लकड़ी के। तो अब हमको दो चीजें करनी है, अगर लकड़ी को सुखाना है तो हमको सिर्फ हमारा ऊपर वाला सरफेस अगर सूख गया तो हम ये नहीं कह सकते कि द वुड इज ड्राइड, नहीं कह सकते हैं। हम कैसे कहेंगे ड्राई, हमको देखना यह भी समझना है कि लकड़ी के अंदर भी पानी छुपा है, उसको भी हमको सुखाना, ठीक है ना, उसको भी हमको किसी भी तरह निकालना है। सो देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट ये पॉइंट नोट कीजिए जरा, सबसे पहले तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर नहीं, वो अलग कंसेप्ट है यार, आप ये नहीं कह सकते कि आप एयर को गर्म करेंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी निकालने का तरीका अलग, ठीक है ना, ह्यूमिडिटी को निकालने का तरीका अलग, रिमूवल ऑफ वो ह्यूमिडिफिकेशन में थोड़ा सा ब्रीफ बताऊंगा, है ना, डी ह्यूमिडिफायर कैसे वर्क करता है।
खाली चीजों को गर्म करने से नहीं निकलेगी। रिमूवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द गिवन सॉलिड व्हेन इट सरफेस इज यूनिफॉर्मली कवर्ड विद वाटर। आप देखते हैं, आप लकड़ी को जब सुखा रहे हैं, वुड को जब सुखा रहे हैं, तो पहले ऊपर के सरफेस से मॉइस्चर हटना चालू होगा। ठीक, ऊपर के सरफेस से मॉइस्चर हटना चालू होगा, ठीक बात है। फिर आप कुछ समय बाद देखते हैं, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यार कहीं कहीं पे लकड़ी गीली है, कहीं कहीं पे लकड़ी सूखी है। ऐसा देखते हैं कि नहीं, कि आप देखेंगे कि सरफेस देखेंगे लकड़ी का, तो कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि लकड़ी गीली होती है, कई कई जगह पे सरफेस सूखा है फिर गीला है। ठीक, तो वो जो जगह है जहां सूखा रहता है वहां से पूरा मॉइस्चर चला गया। ठीक, जब आपका यूनिफॉर्मली कवर्ड थी वुड, तब आपने एयर पास करी, सरफेस से पानी चला गया, लेकिन और पानी कहां से आ रहा है? लकड़ी के अंदर भी मॉइस्चर ट्रैप्ड है। मैंने कहा ना आपको, दो जगह पे है, सरफेस पे भी है और अंदर भी ट्रैप्ड रहता है। ठीक, तो जैसे ही ये सरफेस वाला मॉइस्चर निकल गया, कहां निकल गया? एयर में चला गया। ठीक, एयर में चला गया, देन क्या रहेगा? सेकेंड, जो ट्रैप्ड मॉइस्चर है, ट्रैप्ड बिटवीन द सॉलिड, ठीक, इनसाइड द सॉलिड, वो मूव करना चालू करेगा। क्यों मूव करना चालू करेगा? सरफेस पे से पानी जा चुका है, मॉइस्चर के अंदर जो लिक्विड ट्रैप है वहां कंसंट्रेशन अब ज्यादा है, तो मॉइस्चर कहां से कहां मूव करना चालू करेगा? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि अब सरफेस पे कंसंट्रेशन कम हो गई है, सरफेस तो सूख गया, लेकिन अंदर जो पानी घुसा है, जो रखा है लकड़ी में अभी, उसको भी तो सुखाना है। तो अब ये जो ट्रैप्ड लिक्विड है, ट्रैप्ड मॉइस्चर है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस मूव करना चालू करता है। ठीक, नाउ सेकेंड थिंग इज मूवमेंट ऑफ ट्रैप्ड मॉइस्चर इनसाइड द गिवन सॉलिड वाया दो चीज, क्या बोला मैंने? एक लिक्विड डिफ्यूजन, वाया लिक्विड डिफ्यूजन और कैपिलरी इफेक्ट, और बाय कैपिलरी एक्शन या इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट आप सब लोग जानते हैं, फ्लूइड में आपने पढ़ा है कि आप एक छोटे से डायमीटर की चीज लीजिए, ठीक, बहुत छोटे डायमीटर की, उसको आप एक पाइप लीजिए बहुत छोटे डायमीटर की और उसको आप डिप कर दीजिए पानी में, तो आप देखेंगे ना कि वो पाइप में पानी आ जाता है, दैट इज कैपिलरी इफेक्ट। वैसे ही सॉलिड के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो दो तरीके से मूव कर सकता है, ठीक, कैपिलरी एक्शन के थ्रू और अपना लिक्विड डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करना। So this is the complete mechanism of drying. अब जैसे ही पानी ऊपर आया, आप हॉट एयर तो पास कर ही रहे हैं, ठीक, मॉइस्चर कंटिन्यूअसली जा रहा है आपके एयर, ठीक, क्लियर बात है, ठीक है ना, क्लियर है? ये बात क्लियर हुई? What is the difference between heating and drying? भैया हीट करने से, लकड़ी को हीट कर दिए तो लकड़ी जल नहीं जाएगी, बताओ। बेसिकली आप ड्राइंग मतलब क्या? सुखाना है उस चीज को। हीटिंग मतलब क्या होता है? जलाना, हीट प्रोवाइड करना। अब जलाना थोड़ी है अपन को, अपन को सुखाना है, ठीक। तो सुखाने पे आप ऐसी ही गैस पास करोगे ना, ये हॉट एयर पास करोगे जिससे लकड़ी जले ना,
लकड़ी जल गई तो फिर खत्म, और क्या, फिर लकड़ी ही खत्म हो गई, ड्राई क्या होगी। ठीक है, हाँ ड्राइविंग फोर्स पे आ रहे हैं, ड्राइविंग फोर्स पे आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, ठीक है ना। सो हीटिंग मीन्स जला देना किसी चीज, ठीक। ड्राइंग का एक्शन क्या रहेगा, ड्राइंग किस कैसे हो रही है, आप गैस जो हॉट एयर है वो पास कर रहे हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो कहीं जा सके, ठीक है, इसलिए उसको ड्राइंग बोला गया। हीटिंग मतलब, हीटिंग तो ये समझते कि लकड़ी को हीट कर दिया, हीट करना तो मतलब जलाना भी तो हो सकता है, जल जाएगी लकड़ी, ठीक है ना भाई, जलाना नहीं है अपन को, ड्राई करना है। ड्राई कैसे होगी, जो सॉलिड रहे, जो मॉइस्चर रहेगा वो कहीं ना कहीं जाएगा, वो मॉइस्चर कहां पे जाएगा, आपके एयर में जाएगा, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्राइविंग फोर्स क्या है, वो मॉइस्चर जो है वो आपका क्यों जा पा रहा है एयर में, क्योंकि एयर के पास अभी भी कैपेसिटी है ताकि वो मॉइस्चर होल्ड कर सके, ठीक, अभी भी उसके पास कैपेसिटी है कि वो आपका क्या ले सकता है, पानी और ले सकता है। सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर ड्राइंग इज द क्या, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस। सो द ड्राइविंग फोर्सेस, अगर यहां इसके ड्राइविंग फोर्स की बात करें, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, कि और कितना एयर वेपर ले सकती, अगर एक बार एयर सैचुरेट हो गई, सैचुरेटेड एयर मतलब अब वो और ज्यादा वाटर वेपर नहीं ले सकती, तब आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, तब आप ड्राइंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नोट कर लिया, ये मैकेनिज्म नोट कर लिया, क्लियर है, ये चीजें क्लियर है, ठीक, आगे बढ़े। चलिए, मॉइस्चर कंटेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। फिर अपन ड्राइंग कर्व पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत कंफ्यूजन होता है सर, ड्राइंग बेसिस, ड्राई बेसिस, वेट बेसिस, बिल्कुल आसान बना देंगे। देखिए, दो तरीके से चीजें यहां पे बोली जाएंगी हमारी, क्या, एक बोला जाएगा वेट ऑफ सॉलिड ऑन वेट बेसिस, समझिएगा, बिल्कुल आसान कर देंगे, कभी याद ही नहीं करना पड़ेगा। वेट ऑफ सॉलिड ऑन वेट बेसिस मतलब, एक तो होता है आपका ड्राई सॉलिड, और उसी सॉलिड को जब आपने मॉइस्चर में डाल दिया तो वाटर का वजन भी आ जाएगा। एक होता है कंप्लीटली ड्राइड मटेरियल, ठीक, और उसी मटेरियल को आपने पानी में डाल के थोड़े टाइम बाद निकाल दिया, तो अब वजन उसका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मॉइस्चर भी उसने ले लिया है। तो वेट बेसिस पे मतलब आप सॉलिड के साथ साथ मॉइस्चर का वजन भी इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक। सो यूनिट होगी इसकी केजी, यूनिट तो केजी रहेगी, तो यूनिट तो रहेगी आपकी केजी, लेकिन वेट बेसिस पे मैं बोल रहा हूं मतलब केजी सॉलिड, केजी ड्राई सॉलिड प्लस केजी मॉइस्चर, दोनों का वजन इसमें है। दिस इज द मीनिंग ऑफ वेट बेसिस, ठीक है ना। अब एक तरीका रिप्रेजेंट करने का है ड्राई बेसिस पे, ड्राई बेसिस मतलब कंप्लीटली ड्राई मटेरियल, वेट ऑफ सॉलिड ऑन ड्राई बेसिस, ड्राई बेसिस मतलब कंप्लीटली ड्राइड मटेरियल, ठीक। सिर्फ आप लिखेंगे यहां पे K
केजी ड्राई सॉलिड, ठीक है ना। तो ये तो सिंपल चीज थी। अब मॉइस्चर कंटेंट जो है वो भी वेट बेसिस और ड्राई बेसिस पर रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए देखते हैं जरा, देखिए ये नोट कर लो पहले, बिल्कुल आसानी से, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ड्राई भी कर लिया करेंगे, याद मत रखो चीजें, ड्राइव कर लिया करो, क्योंकि ये सब चीजें याद रखने की नहीं है, समझने की, ठीक। चलिए आइए जरा, अब मैं मॉइस्चर कंटेंट की बात करता हूं। मॉइस्चर कंटेंट मतलब जो सॉलिड है उसमें कितना मॉइस्चर, दैट इज मॉइस्चर कंटेंट। नाम में ही मतलब छुपा है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक, कि आपका जो सॉलिड है उसमें कितना मॉइस्चर है, ठीक। अब इसको भी दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ड्राई बेसिस पे एंड वेट बेसिस पे। देखिएगा जरा, देखिए बिल्कुल आसान है। फर्स्ट मैं बात करता हूं आपसे ड्राई बेसिस की, मॉइस्चर कंटेंट को ड्राई बेसिस के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूं एक्स ड्राई बेसिस, डीबी रिप्रेजेंट्स ड्राई बेसिस, डब्ल्यू बी इज वेट बेसिस। तो मॉइस्चर कंटेंट है ना, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज केजी मॉइस्चर डिवाइडेड बाय केजी ड्राई सॉलिड, ठीक। केजी मॉइस्चर की कितना मॉइस्चर है डिवाइडेड बाय उस ड्राई मटेरियल का वजन कितना था, दैट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ दैट मटेरियल। कि आपने एक कंप्लीटली ड्राइड वुड ली, ठीक, उसका वजन नाप लिया आपने, उसका वजन आया 100 किलो। अब अपने उसी वुड को आपने पानी में भिगो दिया, फिर उसको निकाला, फिर उसका वजन नापा, ठीक, वो वजन क्या कहलाएगा, वेट बेसिस पे, ठीक। तो एक्स डीबी केजी मॉइस्चर मतलब कैसे लिखेंगे, ड्राई बेसिस पे वेट बेसिस पे जितना वजन आया माइनस ड्राई बेसिस पे, ये आपका मॉइस्चर का वजन आ जाएगा डिवाइडेड बाय केजी ड्राई सॉलिड। लिखवा देता हूं अभी, मेरे को पता है आपको नहीं समझ आया होगा, ठीक है ना। सर आई एम न्यू हियर, प्रीवियस लेक्चर इज देयर इन यूट्यूब, प्लीज टेल सर। साथ आप देखिए प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वो एक्सट्रैक्शंस तक अवेलेबल हैं, एक्सट्रैक्शंस तक पूरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब पे। मैं आज टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी लिंक भी भेज दूंगा दोबारा, ठीक, ऑलरेडी भेज चुका हूं। लेकिन मैंने जितने भी कोर्सेज लिए हैं, मैंने जितना भी मटेरियल कवर कराया है, चाहे वो बार की सीरीज हो, चाहे आईपीसी हो, चाहे केमोफिलिया हो, सारी आज मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक। तो मास ट्रांसफर का एक्सट्रैक्शंस तक सारे लेक्चर्स हैं, ड्राइंग से नहीं है, तो ड्राइंग से आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक, ड्राइंग से आप बिल्कुल पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और एक और चीज, अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं, 4 महीने में पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं कि सर मैं आप पढ़ना चाहता हूं, मैं 4 महीने में फुल कोर्स लाइव देखना चाहता हूं, तो आप मेरे को कांटेक्ट करिए थ्रू टेलीग्राम, ठीक, डीएम करिएगा वहां पे, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, ठीक, अफोर्डेबल रास्ता, ठीक है। चलिए आते हैं इस पे, वापस आते हैं, टेलीग्राम लिंक, यार कोई टेलीग्राम लिंक पोस्ट कर देना जरा, कोई टेलीग्राम लिंक पोस्ट कर दो यार, जब तक मैं कंप्लीट करता हूं। सेकेंड चीज है वेट बेसिस, वेट बेसिस पर रिप्रेजेंटेशन। देखिए एक्स डब्ल्यू बी दिस इज इक्वल्स टू, अगेन केजी मॉइस्चर तो वही रहेगा डिवाइडेड बाय, अब आपका जो सॉलिड है दैट इज वेट सॉलिड, ठीक। सो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल रहा हूं, जब तक आप लोग नोट करिए।
सो दिस इज केजी मॉइस्चर पर केजी वेट सॉलिड, ठीक है ना। अब देखिए ड्राई बेसिस पे था मॉइस्चर कंटेंट केजी मॉइस्चर पर केजी ड्राई सॉलिड, वेट बेसिस पे था केजी मॉइस्चर पर केजी वेट सॉलिड, ठीक है। देखिए इन दोनों में क्या रिलेशन है उसकी बात करते हैं अब जरा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन देखिएगा जरा। यहां से आइए इस फॉर्मूले से एक्स डब्ल्यू बी दिस इज इक्वल्स टू केजी मॉइस्चर डिवाइडेड बाय केजी वेट सॉलिड को क्या लिखूं मैं, केजी वेट सॉलिड अभी देखा मैंने कि वेट ऑफ सॉलिड ऑन वेट बेसिस, इसको मैंने लिखा है केजी ड्राई सॉलिड प्लस केजी मॉइस्चर, यहां पे लिख देता हूं मैं। सो वेट सॉलिड है मेरा तो वेट सॉलिड बना होता है ड्राई सॉलिड से प्लस कितना उसमें मॉइस्चर, ठीक। चलिए इतनी बड़ी हिंट दे दी है तो अब मेरे को रिलेशन बता दो इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा, ये दोनों कैसे रिलेटेड है आपस में कि अगर आपको वेट बेसिस दिया है तो आप ड्राई बेसिस कैसे निकालेंगे या ड्राई बेसिस दिया है तो वेट बेसिस कैसे निकालेंगे, मेरे को रिलेशन बताओ जरा आप लोग। मैंने इतना आपके लिए सॉल्व कर दिया, बाकी आप लोग कीजिए। बाकी आप लोग कीजिएगा जरा, मेरे को रिलेशन चाहिए एक्स डब्ल्यू बी और एक्स डी बी में, आप लोग रिलेशन बताइएगा जरा। आपका मेन काम मैंने कर दिया, अब रिलेशन आप लोगों को बताना, फटाफट कमेंट करके बताओ जरा। बस ये सीख लो, याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। ये तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ड्राई बेसिस वेट बेसिस मेरे को समझ नहीं आता फॉर्मूले क्या है, मत याद करो ना, ड्राइव करो सीधा सीधा, ठीक। बताएंगे भाई क्या आ रहा है, एक्स डी बी इज इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एक्स डी बी प्लस वन, नहीं यार आयुष, एक्स डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एक्स डी बी, हाँ हाँ मीनाक्षी का आंसर सही है, आई थिंक आर्यन भी सही कह रहा है, उसने बस थोड़ा सा रिलेशन उल्टा लिख दिया। बताएंगे भाई आप लोग, सूरज कह रहा है हाँ सही है सही है सही है सही है भाई, हाँ सही है यशविन, ठीक। तो आपका मेन काम मैंने कर दिया था, आपको बस क्या करना था सिंपल सा, सही है अनुराग, आपको बस सिंपल सा क्या करना है, आप यहां से कॉमन ले लीजिए केजी ड्राई सॉलिड। देखिए जरा अगर आप केजी ड्राई सॉलिड कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा केजी मॉइस्चर डिवाइडेड बाय केजी ड्राई सॉलिड होल डिवाइडेड बाय वन प्लस केजी मॉइस्चर पर केजी ड्राई सॉलिड, पर केजी ड्राई सॉलिड, ठीक है ना, क्लियर। ठीक, तो केजी मॉइस्चर डिवाइडेड बाय केजी ड्राई सॉलिड क्या है, ये किस चीज की डेफिनेशन है, ये देखो ये रखी डेफिनेशन केजी मॉइस्चर पर केजी ड्राई सॉलिड, ये वही तो लिखा है। तो मेरे पास क्या निकल के आया, एक्स डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू एक्स डी बी अपॉन वन प्लस एक्स डी बी, याद रखना है तो रखो नहीं तो निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, निकालने का तरीका मैंने आपको पूरा बतला दिया है, ठीक है ना, अब दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक। एक्स डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एक्स डी बी अपॉन वन प्लस एक्स डी बी, ठीक, क्लियर।
ये सब चीजें याद रखने की नहीं है यार, ये सब कॉमन सेंस, ये सब चीजें याद रखोगे ना तो दिमाग फट लेगा किसी के, ठीक है ना? क्योंकि इतने टेंशन में आ जाओगे कि यार भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। अरे भाई जरूरत ही नहीं है यार। ठीक, और देखिए और भी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। चलो देखो, ये क्लियर है, ये नोट कर लो। यहां से देखिए, यहां से देखिए, ये क्या है? एक्स डी बी, मेरे को अगर एक्स डी बी दिया है, ठीक, और मेरे को मेंशन्ड है डब्ल्यू डी बी, तो मैं क्या, देखो मेरे को एक्स डी बी दिया है गिवन, और मेरे को दिया है डब्ल्यू डी बी गिवन, तो क्या मैं डब्ल्यू डब्ल्यू बी निकाल सकता हूं? क्या मैं ये निकाल सकता हूं? भाई आपको मॉइस्चर कंटेंट दे दिया है ड्राई बेसिस पे, आपको वेट दे दिया है ड्राई बेसिस पे, तो क्या आप वेट निकाल सकते हैं वेट बेसिस पे? बताएंगे भाई, क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या? बताइए, आपको ये दोनों चीजें गिवन है, तो क्या आप डब्ल्यू डब्ल्यू बी निकाल सकते हैं? बताइएगा। निकाल सकते हैं तो निकाल के बताओ मेरे को, फिर मैं आपको और तरीका बताऊंगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, पता, सिंपल है। इन सब चीजों से बहुत डरते हैं अपन, कुछ भी नहीं है, लॉजिक है, कॉमन सेंस, निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जरा, देखिए एक्स डी बी को लिखते हैं के जी मॉइस्चर डिवाइडेड बाय के जी ड्राई सॉलिड, ठीक, ठीक है, देखना न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, वैसे ही निकालो ना यार, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो ना। हाँ हाँ सही कह रहा, सही है। देखिए अगर मैं केजी मॉइस्चर को लिख दूं कोई आपत्ति, केजी मॉइस्चर को मैंने लिख दिया क्या वेट बेसिस पे वेट माइनस ड्राई बेसिस पे वेट। एक बात बताओ, लकड़ी जो थी, वुड जो थी, वो पहले कैसी थी? ड्राई थी, उसका वजन नाप लो, फिर आपने उसको पानी में डाल दिया तब उसका वजन नाप लो, तो दोनों को माइनस करोगे तो ये वजन जो चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? भैया पानी ले लिया है लकड़ी ने, खत्म बात। तो लकड़ी ने पानी ले लिया है, वही तो है आपका केजी मॉइस्चर, खत्म बात। और केजी ड्राई सॉलिड मतलब डब्ल्यू डी बी, ये लो। तो आपको एक्स डी बी गिवन था, एक्स डब्ल्यू डी बी गिवन था, तो वेट डब्ल्यू बी नहीं निकाल सकते क्या? सिंपल सी बात, ठीक, ये लो साहब। कुछ याद ही नहीं रखना है, डर लगता है ना इन सब, जो कुछ याद ही नहीं रखना है भाई, सिंपल सी बात। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं एक्स डब्ल्यू बी दिस इज के जी मॉइस्चर डिवाइडेड बाय के जी वेट सॉलिड, तो इसको मैं क्या लिखूंगा भाई? केजी मॉइस्चर की डेफिनेशन बदल थोड़ी जाएगी, केजी मॉइस्चर तो अभी भी वैसे ही लिखोगे आप। हां अब नीचे डिनोमिनेटर में वेट सॉलिड की जगह डब्ल्यू डब्ल्यू भी आ जाएगा, खत्म बात, खत्म, कुछ है ही नहीं। और ये
ये दो चीजें संभाल के रखो, पहली दूसरी, खत्म। कुछ करना ही नहीं, नोट कर लीजिए। एक ये फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूले, और तीसरा क्या था अपना, अभी अपन ने कन्वर्जन देखा। ये है आपकी समरी, टोटल समरी, नोट कर लीजिए इन चीजों को। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? अब याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों, मतलब ये सब कहाँ याद रखते बैठोगे, ये सब ड्राइव कर लेना, खत्म बात। ठीक, क्लियर है बात? ठीक है, आगे बढ़ें, ड्राइंग कर्व पे आए। ठीक, ड्राइंग कर्व पे आए। सर एट ए टाइम दो डिफरेंट लिक्विड का मिक्सचर सॉलिड में होगा, तो यार ऐसा सवाल ही नहीं पूछेगा ना, ऐसा सवाल ही नहीं पूछेगा। ठीक, हमारे कोर्स में क्या है, सॉलिड है उसको, एक सॉलिड है उसको ड्राई करना है, उसमें से सिर्फ मॉइस्चर निकालना है। ठीक, उसमें से सिर्फ हमको मॉइस्चर निकालना है, ठीक है ना, ऐसा सवाल ही नहीं आएगा यार, क्यों जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड करनी है अपन। वैसा ही क्या कम चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं जो और अपन कॉम्प्लिकेट कर दें, है ना, वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए ड्राइंग कर्व की तरफ बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है, एक एक करके समझेंगे। ड्राइंग कर्व नंबर वन, देखिएगा आप जरा, ड्राइंग कर्व नंबर वन इज बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एक्स डीबी, मतलब यहां पे जो एक्स है दैट इज केजी मॉइस्चर पर केजी ड्राई सॉलिड, हाँ, ड्राइंग इज ओनली रिमूविंग मॉइस्चर, ठीक है ना। केजी मॉइस्चर पर केजी ड्राई सॉलिड वर्सेस रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब समझिए, समझिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय द सैचुरेशन प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ H2O। ठीक, दिस इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ H2O, कहां पे, जिस एयर में आप सुखा रहे हैं ड्राइंग मटेरियल को। ठीक, समझ लेना, बहुत कंफ्यूजन होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इन द एयर, हॉट एयर, डिवाइडेड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर मतलब जब एयर बिल्कुल सैचुरेटेड, ठीक, पूरी खतरनाक तरीके से भरी हुई है वाटर वेपर से, दैट इज
सेचुरेशन प्रेशर बोलो या वेपर प्रेशर बोलो, ठीक है। एंड PH2O इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, समझना आप। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ड्राइंग मटेरियल है, उसको मैं सुखाना चाह रहा हूं, एक ड्राइंग मटेरियल है उसको मैं सुखाना चाह रहा हूं, ठीक, हाँ ठीक है कर देते हैं। ह्यूमिडिटी मतलब, देखिए समझिए, ह्यूमिडिटी वैसे मैं डिटेल में बताऊंगा पर समझ लो, ह्यूमिडिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन एयर, कितनी क्वांटिटी है मॉइस्चर की एयर में, ठीक। अब ह्यूमिडिटी सिर्फ एयर वाटर की डिफाइन नहीं होती, ठीक। अगर मान लो बेंजीन के वेपर्स प्रेजेंट हैं एयर में, दैट इज ऑल्सो ह्यूमिडिटी, कि अमाउंट ऑफ बेंजीन प्रेजेंट इन एयर, दैट इज ऑल्सो ह्यूमिडिटी। हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, हम कब भूल नहीं जाते, एक मिसकंसेप्शन है यार कि ह्यूमिडिटी बोल दिया है मतलब हमेशा वाटर का प्रेजेंट होना एयर में, ठीक। हमारे ड्राइंग के केस में तो वही है, हमारे ड्राइंग के केस में वाटर प्रेजेंट इन एयर ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ अदर स्पीशीज ऑल्सो, जैसे बेंजीन प्रेजेंट इन एयर इज ऑल्सो ह्यूमिडिटी, ठीक। जनरली लेकिन हम लोग एयर वाटर सिस्टम के लिए ह्यूमिडिटी कैसे डिफाइन करते हैं, क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन एयर, दैट इज योर ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। वाटर के अलावा दूसरा कंपाउंड, तो अब मैं आपसे वही बोल रहा हूं ना, अपने ड्राइंग के केस में, ड्राइंग के केस में अपन को वाटर से ही डील करना है, ठीक, तो दूसरे कंपोनेंट की बात ही नहीं हो रही है ना। जब ह्यूमिडिटी में जाएंगे तब अपन दूसरे कंपोनेंट्स की भी बात करेंगे, ठीक है ना, ठीक। सैचुरेटेड वेपर प्रेशर रीच होने पर वाटर को बॉइल नहीं कर सकते यार, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर मतलब आपका जो जो वाटर के वेपर्स हैं दैट आर सैचुरेटेड, ठीक। सैचुरेटेड, अब इससे आप समझिए ड्यू पॉइंट कर्व से समझिए ना, कि आपने अगर थोड़ा भी उनको क्या कर दिया, प्रेशर से अगर मैं बात करूं या टेम्परेचर से बात करते हैं, या थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम कर दिया तो कंडेंस हो जाएंगे वो, दैट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड। कभी भी दिक्कत हो, सैचुरेटेड क्या है, वेपर्स क्या है, TXY PXY डायग्राम याद किया करो, ठीक, TXY PXY डायग्राम याद किया करो, ठीक। सो PH2O इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, ठीक है, और PH2O नॉट इज द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। सैचुरेटेड का मतलब यह है कि नाउ एयर कैनॉट टेक एनी मोर वेपर्स ऑफ वाटर, इसको डिफाइन कर देते हैं, दिस इज द प्रेशर व्हेन एयर कैनॉट टेक मोर वाटर वेपर, मतलब अब वाटर वेपर का ट्रांसफर होगा ही नहीं एयर में, दैट इज, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है ना, ठीक। जरूरी नहीं है एक ग्राफ के लिए, इतना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, तो अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वन, आप ऐसी एयर यूज कर रहे हैं, आप ऐसी एयर यूज कर रहे हैं जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन है, देखिएगा ये है वन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वन, ठीक,
आप क्या कर रहे हैं, एक आपने सॉलिड लिया, एक आपने सॉलिड लिया, अब आप उसको सुखा किससे रहे हैं, आपने उसको ऐसी एयर में रख दिया है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 1। तो बताइए कि ड्राइंग पॉसिबल है कि नहीं, ड्राइंग होगा कि नहीं, ड्राइंग होगा कि नहीं। एयर में, एयर में सारी बात एयर के टर्म्स में हो रही है, सारी चीज एयर के टर्म्स में हो रही है। एयर में कितना प्रेशर है वेपर्स, सैचुरेटेड प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस। पार्शियल प्रेशर मतलब आप, पार्शियल प्रेशर देखिए, अच्छे से बनाते हैं। आपके पास 100 kg एयर है, 100 kg एयर अभी इसमें है आपका 5 kg मॉइस्चर, 5 kg मॉइस्चर। आप मॉइस्चर बढ़ाते जाइए, अभी इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, अभी इसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, आप मॉइस्चर बढ़ाते जाइए। 100 kg एयर है, आप मॉइस्चर 10 kg कर दीजिए, अगेन PH2O का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, मैं आपसे कह रहा हूं कि यार ये जो आपने 100 kg एयर ली है ना, इसमें 20 किलो से ज्यादा वेपर नहीं हो सकता। आपने जो 100 kg एयर ली है, इसमें बीस किलो से ज्यादा H2O वाटर वेपर नहीं हो सकता। तो जब आप इसको 20 kg कर देंगे, आपने एयर में कितना किलो पानी डाल दिया, 20 kg, ये तो मैं बहुत बोल रहा हूं, ठीक, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल समझना भाई। तो 20 kg इज द मैक्सिमम वाटर 100 kg एयर कैन होल्ड, ठीक। सो अब जो प्रेशर आएगा दैट विल बी सेचुरेशन प्रेशर ऑफ H2O, ये मतलब, ये मतलब, हाँ, ड्राइंग नहीं होगा, ठीक ठीक है ना, ड्राइंग नहीं होगा, नहीं, टेम्परेचर वेरी करने से नहीं। मैंने आपको बताया ना सूरज, जरूरी नहीं है टेम्परेचर वेरी करने से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ये टेम्परेचर ज्यादा करने से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है ना, दिस इज अ मिसकंसेप्शन। आप घर में बैठे हो, आप अगर, अभी तो ह्यूमिड एटमॉस्फियर है, अगर आप क्या बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ा दो, ठीक है, गैस के पास खड़े जाओ, हीटर चला दो, तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। ये PH2O डॉट का मतलब कि दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड। तो तब जो H2O प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा दैट विल बी PH2O नॉट, ठीक, सेचुरेशन वेपर प्रेशर, ठीक, कि सैचुरेट करने का यही मतलब है, बिल्कुल भर दिया है एयर को, कच्चा कच भर दिया है, जगह ही नहीं है, ठीक। वेयर एज दीज आर द केसेस ऑफ पार्शियल प्रेशर, अब इसमें पार्शियल प्रेशर रहेगा नॉर्मल, ठीक है ना, क्लियर है। सो किसने पूछा था यार, डाउट किसका था, भूल ही गया मैं, चला गया वो बंदा कहाँ है, हाँ, राहुल का डाउट था, ठीक है, राहुल का डाउट, ठीक है ना, समझ आया कि नहीं ये चीज़। सो बहुत बेसिक है ये चीज़, अपन ना मिस कर देते हैं ये सब चीज़, बहुत बेसिक है, ठीक, ये बात क्लियर है आपकी, कौन सा प्रेशर कब है। तो अब एक बात बताओ, मैं आपसे बोल रहा हूं रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 1, आपने ऐसी एयर ली है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 का क्या मतलब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O इज इक्वल्स टू सेचुरेशन वेपर प्रेशर,
मतलब आपने ऐसी एयर ले ली है कि अब वो और मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, तो कहाँ से ड्राइंग पॉसिबल है? ड्राइंग का क्या मतलब है? मॉइस्चर उड़ के जाएगा कहाँ पे? आपके एयर में। आपने एयर ही वैसी ले ली है कि मॉइस्चर जा ही नहीं पा रहा है भाई, कैसे ट्रांसफर होगा? पॉसिबल ही नहीं है ड्राइंग। तो आप कोई भी मॉइस्चर कंटेंट लीजिए, आप कोई भी मॉइस्चर कंटेंट लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कुछ पॉसिबल नहीं। कितना भी आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाइए, ड्राइंग पॉसिबल नहीं होगी। सो रिलेटिव, आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट, ठीक है ना? रिपीट कर रहे हैं। ठीक, देखिए, देखिएगा, यहां पे हमारे पास बहुत सारे प्रेशर है। देखिए, मैंने आपसे बोल रहा हूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज वन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन का मतलब है जो पार्शियल प्रेशर है H2O का, दैट इज इक्वल्स टू द सेचुरेशन प्रेशर, सेचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है ना? सेचुरेटेड वेपर प्रेशर का ये मतलब है कि आपका जो एयर है दैट कैन नॉट होल्ड मोर H2O, 20 किलो से ज्यादा H2O नहीं होल्ड कर सकता। ठीक, 20 किलो से ज्यादा, हाँ रिपीट कर रहे, 20 किलो से ज्यादा जो मॉइस्चर है एयर होल्ड नहीं कर सकती। ठीक, तो आपने इस केस में 20 किलो H2O दे दिया एयर को, ठीक, कि एयर में 100 kg एयर में 20 kg H2O इज प्रेजेंट। ठीक, उस केस में जो आपका प्रेशर आएगा, जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ये पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या रहेगा? सिस्टम में क्या क्या है? एयर है और वाटर है। वाटर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा? pH2O naught। ठीक, दिस इज सेचुरेशन वेपर प्रेशर। ठीक, अब इन केसों में क्या हो रहा था? इन केस, ये जो केस है 5 kg 10 kg वाले, एयर हैज द कैपेसिटी टू होल्ड मोर वाटर। तो अब आप इसमें वाटर देते जाएंगे तो जो पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है किसी मिक्सचर का? एयर भी है मिक्सचर में, वाटर भी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर भी रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर भी रहेगा। टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? टोटल प्रेशर की अगर मैं आपसे बात करूं, टोटल प्रेशर विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ एयर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O, यही तो रहेगा पूरे सिस्टम का प्रेशर। समझ पा रहे हो कि नहीं? 20 kg पे क्या हो जाएगा? 20 kg पे उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आ गई एयर की, 100 kg एयर की कैपेसिटी इतनी ही है भैया, अब इससे ज्यादा पानी नहीं होल्ड कर सकता। ठीक, एयर, तो उस केस में ये जो आपका pH2O है, जो कि इधर पार्शियल प्रेशर था, ये बराबर हो गया किसके? सैचुरेटेड प्रेशर के। तो ये बराबर हो गया, मतलब ये किस चीज का केस है? ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू वन का केस। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू वन का केस है। ठीक, क्लियर बात है? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर वन है और अगर आपने वो एयर ले ली है जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन है और आप उस एयर से सॉलिड को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक वेट सॉलिड को, तो नहीं सूखेगा। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब, ठीक बात है? ठीक, कि आप यहां पे सॉलिड रखे हैं, और आप ऐसी एयर पास कर रहे हैं, इसके ऊपर आप ऐसी एयर पास कर रहे हैं जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन है, तो ड्राइंग पॉसिबल नहीं, ड्राइंग नॉट पॉसिबल।
सर वेपर, हाँ सैचुरेटेड बोल रहे हैं ना, वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर जो वाटर है, जो लिक्विड आपने प्योर वाटर ले रखा है, ठीक, प्योर वाटर ले रखा है, उसको जो वेपर्स उड़ेंगे वाटर के, वो जो वेपर्स उड़े हैं वो लिक्विड पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक, दैट इज योर वेपर प्रेशर, ठीक। यहां पे सैचुरेटेड बोल रहे हैं, उसको नाम ही दिया गया है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक। सैचुरेटेड लगाना जरूरी है क्योंकि एयर अब सैचुरेट हो चुकी है, ठीक, एयर अब और वाटर नहीं ले सकती है, ठीक है, ठीक है ना। चलो देखो, चल तो आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन वाली अगर एयर लेते हैं तो आप नहीं सुखा सकते हैं मटेरियल को, अब उससे कम की लेंगे तो बिल्कुल सुखा सकते हैं। ग्राफ कैसा आता है, दिस इज योर कंप्लीट ग्राफ, उससे कम की आप वो लेंगे, अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू 0.6 वाली एयर लेते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी अब, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर आप 0.6 लेते हैं और फिर मटेरियल को ड्राई करना चालू करते हैं, हां अब ड्राइंग होगी, अब ड्राइंग पॉसिबल, ड्राइंग पॉसिबल रहेगी, मतलब अब आप क्या कर रहे हैं, अब आपने एयर ली है, रिमेंबर दिस इज फॉर एयर, आपने एयर ली है कितने रिलेटिव ह्यूमिडिटी की 0.6, तो अब आप क्या कर रहे हैं, एक वेट सॉलिड लिया है आपने जिसको आप सुखा रहे हैं एयर ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.6, तब आपकी ड्राइंग पॉसिबल है। कहां तक पॉसिबल है, जब तक रिलेटिव, जब तक आपका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 0.6, ठीक है, सो दिस इज योर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, नेमिंग कर देते हैं, देखिएगा जरा, देखिए, सो इसको बोला जाता है बाउंड मॉइस्चर, अनबाउंड मॉइस्चर, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड बाउंड मॉइस्चर, दिस इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, एंड दिस इज फ्री मॉइस्चर। नोट कर लीजिए, ये आता, मतलब ये डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। नहीं, हाँ, ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आप कैसे सुखा सकते हैं किसी मटेरियल को, ये ग्राफ ये बता रहा है कि आप डिफरेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी की एयर लेंगे तो मटेरियल के जो मॉइस्चर कंटेंट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये कर्व ये बता रहा है। आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी वन वाली एयर ली तो आपने देखा कि मॉइस्चर कंटेंट पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली 0.6 ली तो आप देख रहे हैं कि आप जो है मॉइस्चर कंटेंट घटा पाए, अगर इनिशियली आप यहां से चले होंगे तो आपका मॉइस्चर कंटेंट कम हुआ,
अगर आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी जीरो वाली एयर ले लेते तो आपका कंप्लीटली क्या हो जाता, जो सॉलिड है वो ड्राई हो जाता, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कि किस टाइप की एयर लेनी चाहिए, ठीक, कि एयर में, एयर से जो मॉइस्चर कंटेंट है एयर में वो कैसे अफेक्ट करता है ड्राइंग को, ये उसका कर्व, ठीक है ना। रिमेंबर, बुक में, बुक से समझ में जाओगे दिक्कत होगी, कॉम्प्लिकेटेड है चीजें, ठीक है। नहीं नहीं पता नहीं होगा, जस्ट एन एग्जाम्पल है यार, जस्ट एग्जाम्पल है। यहां रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गई ना, एग्जाम्पल लिया है यार, वो कम बताने के लिए, ठीक। दिस इज फ्री मॉइस्चर, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर, बाउंड मॉइस्चर एंड अनबाउंड मॉइस्चर, अच्छे से बनाइए, ठीक। फिर हम नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं। सर RH एंड HDB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है सर? बिकॉज एज मॉइस्चर इंक्रीजेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो डिक्रीज ही तो हो रहा है भाई, ये इस डायरेक्शन में कम ही तो हो रहा है, ये कम का डायरेक्शन ही तो है, इस साइड कम हो रहा है ना, तो ये कम कम ही तो हो रहा है, ये नीचे ही तो आ रहा है, ठीक। चलिए, सो ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन थिंग्स। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.6 लिया है ना, ये जनरली ये वुड के केस में आता है, तो बुक में आप देखेंगे और डायग्राम्स बने हुए हैं, जस्ट एन एग्जांपल लिया था। चल बना लिया, क्या ये हो गया, बना लिए। सेकंड ड्राइंग कर्व की बात करें, सो ऑल दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिंड, है ना, सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट करके। फ्री मॉइस्चर मतलब होता है कि कितना मॉइस्चर आप निकाल सकते हैं विथ अ गिवन एयर, देखो कितना मॉइस्चर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम से कम, इक्विलिब्रियम तक ही निकाल पाओगे, उसके बाद तो निकाल नहीं पाओगे, सो कितना मॉइस्चर आप निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड, ड्राइंग कर्व नंबर टू, XDB वर्सेस टाइम, ठीक है ना। हाँ, टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब, अनबाउंड मतलब क्या, जो आपके सरफेस पे मॉइस्चर प्रेजेंट है दैट इज अनबाउंड, बाउंड मतलब जो मॉइस्चर ट्रैप्ड है, जो मॉइस्चर सॉलिड के अंदर ट्रैप्ड है दैट इज बाउंड मॉइस्चर। अनबाउंड मॉइस्चर के केस में रिलेटिव, जो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 1 रहेगी, बाउंड के केस में कम आएगी, ठीक। देखो जा XDB वर्सेस टाइम, सो आप स्टार्ट करेंगे इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट से,
देखिए सो दिस इज द डायग्राम फॉर एक्स डी बी वर्सेस टाइम कि मॉइस्चर कंटेंट आपका टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ठीक, टाइम के साथ कैसे बदल रहा है. सो आप इनिशियली कोई मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, दिस इज इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट. दिस मॉइस्चर इज नोन एज क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट. दिस इज इक्विलिब्रियम मॉइस्चर. सो ये चीजें ध्यान ही रखना आप. क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट. नहीं नहीं आर एच, अरे वो ऐसा कर वे भाई, अरे वो उल्टा ड्रॉ किया है, वो ऐसे में ड्रॉड, ऐसे में ड्रॉन्ड है. आप यहां से चलेंगे, बढ़ नहीं रहा है भाई, मिसकंसेप्शन मत रखना, ये ऐसा है भाई. इनिशियली एक्स की वैल्यू ज्यादा रहेगी ना, तो ग्राफ इधर से चालू होगा, कम होता जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा रहेगा ना, ठीक है. देखिए दिस इज कॉन्स्टेंट रीड पीरियड. अब ये सब एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किए गए थे, बताता हूं क्या. देखिए जब एक मटेरियल को सुखा रहे थे, वुड से लिया होगा, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए, तब देखा गया कि इनिशियल से एक्सीआर तक, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट तक आपका कांस्टेंट रेट आया, ठीक, कांस्टेंट रेट पीरियड आया, ठीक, आपका कांस्टेंट रेट पीरियड आया, मतलब उस दौरान जो रेट ऑफ ड्राइंग था दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. फिर क्या हुआ, फिर जो रेट है वो फॉल होना चालू हुआ. दिस इज दैट इज वाई दिस पीरियड, दीज टू पीरियड्स आर नोन एज फॉलिंग रेट पीरियड, ठीक, दिस इज कॉन्स्टेंट रेट पीरियड एंड दीज टू आर फॉलिंग रेट पीरियड. कि किसी मटेरियल को चालू किया गया ड्राई करना, पहले वो यूनिफॉर्मली कवर्ड था, ठीक, तो पहले जब यूनिफॉर्मली कवर्ड था मटेरियल तब क्या होता गया, आप ड्राई कर रहे हैं तब इजीली ड्राइंग पॉसिबल हुई क्योंकि आपको सरफेस से ही उसके मॉइस्चर को हटाना था, ठीक. अब जैसे जैसे आप ड्राइंग कंटिन्यू किए, आपके पास एक पॉइंट आया जब रेट बदलने लगा ड्राइंग का. जब ड्राइंग का रेट बदलने लगा तो क्या देखा, ड्राइंग का रेट क्यों बदला, क्योंकि अब सरफेस पे से पूरा जो मॉइस्चर है वो चला गया है. अब कौन से मॉइस्चर को सुखाने की बारी है, जो अंदर ट्रैप्ड, जो मॉइस्चर अंदर ट्रैप्ड, उनको सुखाने की बारी है. इसलिए वहां पे जो रेट आया आपका वो चेंज हुआ, ठीक, रेट है वो आपका बदला, ठीक है ना. तो कांस्टेंट रेट पीरियड मतलब आप जो सरफेस के ऊपर जो यूनिफॉर्मली मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको आप सुखा रहे हैं, इसलिए वहां पे कांस्टेंट रेट आया, ठीक. फॉलिंग रेट पीरियड का मतलब यह है, फॉलिंग रेट मतलब रेट बदलने लगा, रेट का भी फॉर्मूला बताएंगे, रेट का ग्राफ भी प्लॉट करेंगे. रेट आपका बदलने लगा, क्यों बदलने लगा,
कि अब जो मॉइस्चर है वो आपको जो नीचे ट्रैप्ड है अंदर, मॉइस्चर के ट्रैप्ड है, वो मॉइस्चर ट्रैवल करता हुआ आ रहा है या तो लिक्विड डिफ्यूजन से या कैपिलरी इफेक्ट से। ठीक, तो कहीं पे ज़्यादा आ रहा है, किसी सरफेस तक ज़्यादा आया, कहीं कम आया, वो डिपेंड करेगा कि डिफ्यूजन कैसा है, कैपिलरी इफेक्ट कैसे हैं। ठीक, इसलिए यहाँ पे फॉलिंग रेट पीरियड आए। ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है, रिपीट कर देते हैं। क्या था आपका पहले, आपका पहले सॉलिड, ये एक सॉलिड है। ठीक, ये एक सॉलिड मटेरियल, सॉलिड है पूरा। ठीक, अभी अंदर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं सॉलिड के, है ना। तो इनिशियली क्या है, इनिशियली ये पूरा कवर्ड है पानी से, इनिशियली ये यूनिफॉर्मली पानी से कवर्ड है, ये पूरी जगह में पानी प्रेजेंट है, पूरी जगह में पानी प्रेजेंट है। ठीक ठीक, पूरी जगह में। क्रिटिकल मॉइस्चर का मतलब जहां से आपका कांस्टेंट रेट चेंज होना चालू हो जाए, बस उसका यही सिग्निफिकेंस कि यहां तक आपका रेट कांस्टेंट था क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट तक, उसके बाद रेट चेंज होने लगा, बस यही सिग्निफाई करता है क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो अभी आपका ये जो सॉलिड है ये है आपका यूनिफॉर्मली कवर्ड विद वाटर। अगर आप एयर पास करेंगे तो अब आसानी से वाटर का ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वाटर सरफेस पे प्रेजेंट है। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे, कुछ टाइम बाद क्या देखा जाएगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सॉलिड वही है, सॉलिड के अंदर पोर्स हैं। कुछ टाइम बाद क्या देखोगे आप कि अब सरफेस से पानी चला गया है, अब पानी जो है वो यहां अंदर ट्रैप्ड पड़ा हुआ है, पानी अंदर ट्रैप्ड है, पानी यहां पे ट्रैप्ड, सरफेस पे से पानी जा चुका है, पानी अब ये जो अंदर ट्रैप्ड है वो वाला पानी, अब इसको आपको सुखाना है, इस मॉइस्चर को आपको सुखाना है। तो आप अब ये मॉइस्चर जो है वो मूव करना चालू करेगा, ये मॉइस्चर यहां मूव करना चालू करेगा वाया लिक्विड डिफ्यूजन और कैपिलरी इफेक्ट। ठीक, ये यहां मूव करना चालू करा। तो अब ये डिपेंड करेगा, अब मान लो यहां का लिक्विड जल्दी ऊपर आ गया तो ये ड्राई होना चालू हो जाएगा, कुछ टाइम बाद यहां का लिक्विड आ गया ये ड्राई होना चालू हो जाएगा, तो रेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, रेट चेंज होता रहेगा ड्राइंग का। ठीक, रेट ऑफ ड्राइंग विल बी डिफरेंट, रेट ऑफ ड्राइंग मतलब कि कितना आपके पास जो मॉइस्चर आया पर यूनिट टाइम, ठीक, पर यूनिट एरिया, कितना मॉइस्चर आपके पास आता गया एयर में, दैट इज द रेट। ठीक, तो आप जब ये सरफेस यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्मली कवर्ड विद वाटर था, तब कांस्टेंट रेट, एंड जब ये जो आपका जो ट्रैप्ड मॉइस्चर है वो जब ट्रैवल कर रहा है तो कुछ मॉइस्चर पहले आ गया, कुछ मॉइस्चर बाद में आया, इस वजह से रेट में आपके चेंज आएगा। ठीक, अब रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक, सो दिस इज सिनेरियो नंबर टू, ये होता है ड्राइंग के केस में। ठीक है ना, आप जब भी वुड को सूखते हुए देखोगे तो वुड का आप देखते हैं कि सरफेस एक बार सूख गया तब क्या रहता है ना, थोड़ा थोड़ा सरफेस कहीं पे गीला रहता है, कहीं पे सूखा रहता है, फिर गीला रहता है। जनरली नोटिस किया है कि नहीं आपने वुड में, ठीक, कि कहीं पे सूख गया है कहीं पे गीला है। ठीक, तो वो किस वजह से होता है कि वो जो ट्रैप्ड मॉइस्चर है वो ऊपर आ रहा होता है। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना, समझ गए हो, अब तो नहीं दिक्कत होगी। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट का ये मतलब है
कि आप चले थे इनिशियल से, आपने स्टार्ट किया था, इनिशियल से आपने स्टार्ट किया, अब आप इनिशियल में जाते जाते, इनिशियल से जाते जाते पहुंचे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट तक। क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट बस यही सिग्निफाई कर रहा है कि अब आपका जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला। इस मॉइस्चर कंटेंट के बाद आपका रेट कांस्टेंट नहीं रहेगा। सर ये पता कैसे चलेगा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट? एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक लकड़ी ली जाती है, पानी में भिगोते हैं उसको, एयर पास करते हैं, ठीक। टाइम के साथ मॉइस्चर का वेरिएशन कहां पे? एयर में नोट किया जाता है, फिर ये ग्राफ निकल के आता है अपने पास, ठीक है ना। हाँ करण, हाँ एग्जैक्टली वो मैं वर्ड सोच ही रहा था यार, थैंक यू यार करण। ड्राई पैचेस बन जाते हैं, एग्जैक्टली वो वर्ड मिसिंग था मेरे दिमाग से, थैंक यू यार। ठीक सर, आपकी टीचिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू यार रतन, थैंक यू राहुल। ठीक, समझ आया कि नहीं भाई? समझ लेना, क्योंकि बुक में से नहीं समझ आएगा, ठीक। बुक में बहुत यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिया, मुझे ही समझने में कितना टाइम लग गया, ठीक। देखो अनुषा, मीनाक्षी, जो देखो ऐसा होता है कि मटेरियल को कम्प्लीटली ड्राई करना ना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यार वो डिपेंड करता है ये मॉइस्चर जो है वो आ पा रहा है कि नहीं सरफेस पे, ठीक। मॉइस्चर जो है वो सरफेस पे आ पा रहा है कि नहीं, कभी मॉइस्चर ट्रैप्ड भी रह जाता है, ठीक, नहीं नहीं मिल पाता उसको जो फोर्स जो उसको सरफेस तक ला पाए, ठीक। इसलिए कंप्लीटली ड्राई मटेरियल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं चीज? क्लियर है भाई? सो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट ये रिप्रेजेंट करता है, लिख लेना, कि अब आपका जो रेट है वो कांस्टेंट पीरियड से शिफ्ट होने वाला है, चेंज होने वाला है। कहां जाने वाला है? फॉलिंग रेट में। फॉलिंग रेट मतलब रेट गिर रहा है अब। फॉलिंग का मतलब यही है, गिरना, रेट कम होने लगा। क्यों कम होने लगा? क्योंकि कहीं कहीं पे लिक्विड ज्यादा है, कहीं कहीं पे लिक्विड है ही नहीं। जैसे लकड़ी में किसी सरफेस पे कहीं कहीं लिक्विड है, कहीं कहीं नहीं है, तो फिर रेट कैसे बढ़ता रहेगा? कमी होगा ना लिक्विड, कांस्टेंट भी नहीं रहेगा, ठीक ठीक है ना। हाँ बाकी कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, है ना, कंडीशंस कांस्टेंट ही रखोगे। क्लियर बात है कि नहीं भाई? समझ में आया कि नहीं? ये चीज लिख लेना भाई, कुछ लिख लेना, कुछ अपने मन से लिख लेना है, अपने मन से मतलब जो एक्सप्लेन किया है वो लिख लेना, ठीक। तो कल को इतनी सी चीज देखोगे ना तो डर जाओगे, दो महीने बाद खोलोगे कि ये क्या था भाई, ये कौन सा डायग्राम बना है, किसका डायग्राम बना दिए ये, ठीक। बायोलॉजी पढ़ा दिए, अमीबा बना दिए, ठीक। तो कुछ लिख लीजिएगा आप, है ना। क्लियर है कि नहीं बात? आगे चले, रेट की बात करें, रेट का कर्व बनाएं। सो दिस इज एक्स डीबी वर्सेस टाइम, ठीक, क्लियर है। चल आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग कर्व नंबर थ्री। सो ये तीन ड्राइंग कर्व हैं, यही इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग कर्व नंबर थ्री, ठीक है, देखो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर, अब देखो भाई गर्म एयर पास कर रहा है तो ऑब्वियसली सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा ना भाई, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा। और गर्म गर्म इसलिए भी पास कर रहे होते हैं, देखना, गर्म इसलिए भी पास कर रहे होते हैं, देखो। हाँ प्लांट सेल दिखेगा ये दो मंथ बाद, इसलिए कुछ लिख लेना। गर्म एयर पास करने का, आप ठंडी एयर भी पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंडीशन क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम होनी चाहिए, ठीक। आप ठंडी एयर भी पास कर सकते हैं। गर्म एयर पास करने का सेंस ये है कि यार गर्म एयर पास करोगे सॉलिड के ऊपर से, सॉलिड भी गर्म होना चालू होगा। सॉलिड के गर्म होने से क्या रहेगा, जो एंट्रैप्ड जो आपके पास मॉइस्चर है, आपको उस टेम्परेचर बढ़ाने से क्या डिफ्यूजिविटी बढ़ती है ना,
डिफ्यूजिविटी बढ़ती है कि नहीं टेम्परेचर बढ़ाने से? लेक्चर नंबर सदियों पहले वाला लेक्चर 3/4, तो लिक्विड की डिफ्यूजिविटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो ऑब्वियसली जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजिविटी में भी हेल्प मिलेगी, ठीक। इसलिए गर्म हवा यूज की जाती है, ठीक। ठंडी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक। लेकिन वही है कि अगर ट्रैप्ड जो चीजें हैं, ये ट्रैप्ड जो मॉइस्चर है उसको निकालना है ना, तो गर्म हवा ज्यादा अच्छी मानी जाती है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द डिफ्यूजिविटी, ठीक। लिक्विड डिफ्यूजन से ही मॉलिक्यूल जो लिक्विड है वो ऊपर आता है, वो इंक्रीज करती है, ठीक बात है, क्लियर। चलो रेट ऑफ ड्राइंग पूरा लिख लो, रेट ऑफ ड्राइंग वर्सेस XTP. कौन कौन से रेट है अपने पास? कांस्टेंट रेट है और फॉलिंग रेट। इक्विलिब्रियम पर रेट कितना रहेगा? इक्विलिब्रियम पर रेट शून्य रहेगा कि नहीं? दिस इज कॉन्स्टेंट रेट पीरियड, सारी चीजें मार्क कर लीजिए। दिस इज योर ड्राइंग कर्व नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इक्विलिब्रियम पे रेट जीरो, एनसी क्या है? कांस्टेंट रेट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये सब नोट कर लेना। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? सारी चीजें नोट करिएगा भाई, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आप इनिशियल से चले थे, इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, क्रिटिकल तक आएंगे। क्रिटिकल तक क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट रेट, पिछले ग्राफ में देखा, फिर फॉलिंग रेट्स आते हैं। सारी चीजें मार्क कर लीजिएगा। चलो इसको प्राइवेट ना करके इसको अपन सीरीज में डलवा देंगे, है ना, जो मास ट्रांसफर की सीरीज थी ना इस सेशन को। यार किसी ने बोला भी था, मैंने मिस कर गया, किसी ने बोला था प्राइवेट मत कीजिएगा, तो इस सेशन को प्राइवेट ना करके अपन वो जो मास ट्रांसफर वाली सीरीज है ना, रैपिड कंसेप्ट बूस्टर, उसमें डलवा देंगे। बिकॉज ये ड्राइंग वाला पार्ट मिसिंग था ना, वहां पे एक्सट्रैक्शंस तक हुआ था, तो किसी ने मिस कर दिया हो कुछ भी, आप देख सकते हैं कहाँ पे। मैं आज सारे जो मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स हैं
टेलीग्राम ग्रुप में मैं डाल दूंगा। ठीक, आईपीसी लिया है, मास ट्रांसफर लिया है, आईपीसी की प्रैक्टिस कराई है, बीएआरसी की प्रैक्टिस कराई है, ठीक, और मास ट्रांसफर भी पढ़ाया है मैंने, सारे मैं आप जो मेरे पढ़ाए हुए चीजें हैं वो डाल दूंगा, और इस लेक्चर को भी मास ट्रांसफर की सीरीज में ऐड करवा दूंगा। ठीक है ना, चलो ठीक है। क्योंकि ड्राइंग नहीं था ना यार, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा ड्राइंग के लिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कंपोनेंट माइनस फेजेस प्लस टू। तो कंपोनेंट कितने हैं? एयर, वाटर एंड सॉलिड इज ऑल्सो अ कंपोनेंट। सो थ्री कंपोनेंट, फेजेस कितने हैं? एयर, वाटर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम टू आना चाहिए मेरे ख्याल से ड्राइंग के लिए। ठीक, पूरा ड्राइंग नहीं, सिर्फ ये लेक्चर, क्योंकि पूरा जो लेक्चर है, जो लेक्चर है आपका वो ये है पूरा, जो थ्योरी है। ठीक, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिएगा। सिंपल, ये आपको थ्योरी दे दी है मैंने, थ्योरी मैं उसमें डलवा दूंगा। ठीक, अब क्वेश्चन, यार अब क्वेश्चन क्या करेंगे डलवा के, क्वेश्चन यहाँ आके सॉल्व करना, ठीक है ना। ये थ्योरी वाला पार्ट था पूरा, इसलिए ये यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। अब कल जो क्वेश्चन कराऊंगा वो वाला सेशन नहीं डालूंगा, ये थ्योरी आपके समझने के लिए ये वाला पार्ट मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना। चलो, और एक भाई रेट का फॉर्मूला तो देख लें, बिना रेट के फॉर्मूले कहां जाओगे। हाँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स रहेगा तो DOF 2 आएगा। हाँ, कल का भी ड्राइंग रहेगा, लेकिन आज पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दे रहा हूं ड्राइंग की। थ्योरी आज के पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे ड्राइंग की, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। ठीक, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा रहना जरूरी है, बुक में बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दिया हुआ है। चलो, तो मैं बात कर रहा हूं रेट ऑफ ड्राइंग की। रेट ऑफ ड्राइंग का डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है कि रेट ऑफ ड्राइंग एन, दिस इज गिवन बाय This is rate of drying, ठीक है ना। हाँ, सेकेंड पार्ट, अब यार थ्योरी बची नहीं ना ड्राइंग की, ड्राइंग के अब क्वेश्चंस करवाने, तो आज अपन देखते हैं टाइम रहता है तो आज क्वेश्चन लेंगे, कल भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आज क्वेश्चंस लेंगे, कल भी क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस करना ही तो जरूरी है। नहीं, कल अपन ह्यूमिडिफिकेशन नहीं, नेक्स्ट अपन जो टॉपिक लेंगे ना वो लेंगे एड्सॉर्प्शंस लेंगे, पहले एड्सॉर्प्शंस, ठीक है ना, एड्सॉर्प्शंस करेंगे, ठीक, एड्सॉर्प्शंस, फिर ह्यूमिडिफिकेशन एंड देन मेम्ब्रेन सेपरेशन, ठीक है। क्योंकि अब अपना ज्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो सब फिनिश हो चुका है, अब जो एड्सॉर्प्शंस वगैरह हैं ये सब छोटे टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ह्यूमिडिफिकेशन में लगेगा, बाकी एड्सॉर्प्शंस वगैरह सब छोटे टॉपिक्स हैं ना, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, सो दिस इज रेट ऑफ ड्राइंग। माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आपका मॉइस्चर कम होता जाएगा, ठीक है ना, मॉइस्चर कम होता जाएगा, जैसे फिक्स लॉ में माइनस DC आया था ना, क्यों, कंसंट्रेशन कम होती जा रही थी, वैसे ही जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाएगा सॉलिड से, ऑब्वियस बात है। एक दो क्वेश्चंस करवाए, मतलब अरे क्वेश्चंस करवाएंगे ना भाई, अरे क्वेश्चंस के लिए मना थोड़ी कर रहा हूं यार,
क्वेश्चंस आज एक आध क्वेश्चन लेंगे और कल भी ड्राइंग के ही क्वेश्चंस करेंगे। कल ऐसा नहीं है कि कुछ नया टॉपिक चालू कर दूंगा। ड्राइंग आपका स्ट्रांग करवाना है ना, तो अपन क्वेश्चंस भी करेंगे ना। क्वेश्चंस क्यों नहीं करेंगे यार, ठीक। चलो अब देखिएगा जरा, यहां पे मैं दो चीजों की बात करूंगा। एक कांस्टेंट रेट में कांस्टेंट रेट की बात कर रहा हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बताऊंगा कि मेरा जब कांस्टेंट रेट है तब मेरे पास टाइम ऑफ ड्राइंग कितना आएगा। दिस टी इज टाइम ऑफ ड्राइंग, ए इज द जो एरिया आप सुखा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ एड्सॉर्प्शन देखेंगे, एड्सॉर्प्शन करवाएंगे यार, है ना, ठीक। नितिश थोड़ा सा रुक जाओ, बस सिंपल सही खत्म ही करवा दें दो, है ना, खत्म ही हो जाएगा। क्या मतलब है इस चीज को रोकेंगे, है ना। चलो कांस्टेंट रेट, रेट कांस्टेंट बोल दिया है मतलब एन की जगह पे एन सी लिख देता हूं मैं। This is minus dB divided by A dx by dTc. अब TC मतलब constant rate में drying time, ठीक। NC constant है, WDB कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है। हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके टाइम निकाल सकते हैं, देखिएगा जरा। दिस विल बी इक्वल टू NC DTC। एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिस कर जाते हैं। दिस इज माइनस WDB अपॉन A DX, लिमिट आएगी एक्स आई से एक्स सी आर, रिमेंबर टाइम की लिमिट आएगी जीरो से टी सी। कॉन्स्टेंट रेट पीरियड कहां तक है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। एनसी इंटू टी सी दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डी बी डिवाइड बाय ए एक्स सी आर माइनस एक्स आई। फाइनली जो मेरे पास टाइम निकल के आ रहा है टी सी, वो आएगा डब्ल्यू डी बी दिस इज द टाइम। कि कॉन्स्टेंट रेट पीरियड में टाइम ऑफ ड्राइंग क्या रहेगा, ठीक। दिस इज ठीक है, टी सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डी बी अपॉन ए एन सी एक्स आई माइनस एक्स सी आर। संदीप देखो एक्सट्रैक्शंस तक ऑलरेडी लेक्चर्स प्रेजेंट है मेरे, और आज का ये जो ड्राइंग वाला लेक्चर है ये प्राइवेट नहीं होगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं जो लोग भी हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है वो ऐड हो जाओ, मैं आज सारा मटेरियल मेरा प्रोवाइड करने वाला, ठीक है ना। सारा जितने भी चीजें मैंने ली हैं सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। दिस इज टाइम फॉर ड्राइंग इन कॉन्स्टेंट रेट पीरियड, ठीक है, क्लियर है ये बात, नोट कर लीजिए इस चीज को। एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है अभी मेरे को फॉलिंग रेट के बारे में, नोट कर लिया क्या, आगे बढ़े। सो फॉलिंग रेट बी पार्ट, फॉलिंग रेट इज लीनियर। अब मैं कह रहा हूं फॉलिंग रेट इज लीनियर, सिंगल फॉलिंग रेट है एंड दैट इज लीनियर, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारी आपकी गेट की प्रॉब्लम बेस्ड रहती हैं,
क्योंकि लीनियर जो चीजें हैं उनको एनालाइज करना आसान रहता है। कैसे देखिएगा, सो टेलीग्राम ग्रुप में जो भी नहीं है प्लीज ऐड हो जाइए, आज सारा मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिस जो मैंने लिया है। तो मैंने कहा फॉलिंग रेट लीनियर, फॉलिंग रेट कहां से चालू होता है, एक्स आर से। ये कोऑर्डिनेट क्यू, एंड दिस थिंग समझिएगा, फॉलिंग रेट इज लीनियर, लीनियर बना दिया। कौन सा है फॉलिंग रेट, ये क्यू एम, ठीक है ना। हाँ, गेट में मोस्टली लीनियर पे ही सवाल आएगा क्योंकि लीनियर पे करना आसान रहता है, स्लोप वगैरह निकालना। मेरे पास ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू डी बी अपॉन ए डी एक्स बाय डी टी। अब मेरा रेट चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए रेट बदल रहा है। अब मेरा लाइन है, इक्वेशन निकाल सकता हूं क्या, मेरे को फटाफट लाइन की इक्वेशन आप लोग निकाल के दीजिए, लाइन की इक्वेशन फटाफट निकाल के दीजिए। दो पॉइंट आपके पास प्रेजेंट है, आराम से लाइन निकाली जा सकती है। लाइन की इक्वेशन निकालिए मेरे को, फटाफट लाइन की इक्वेशन निकालिए। इसको मानिए आप x1 y1, इसको मानिए x2 y2। लाइन की इक्वेशन क्या रहती है, लाइन की इक्वेशन मैं लिखता हूं y माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स। ठीक, देखिए y क्या है मेरा n, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन। अरे वाई माइनस, सही है, ठीक, वाई माइनस वाई वन करना चाहिए ना मुझे, गलत लिख रहा हूं। ये ठीक है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एन सी माइनस जीरो अपॉन एक्स सी आर माइनस एक्स इक्विलिब्रियम एक्स माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। वेलकम आकांक्षा सर, एम टी के लिए और कितने लेक्चर लगेंगे, एम टी के लिए यार देखो दो दो लेक्चर मान के चलो, अब हर टॉपिक के कितने टॉपिक बचे हैं, कल ड्राइंग लगेगा, उसके बाद दो दिन ह्यूमिडिफिकेशन के मान लो, या दो दिन एडजॉर्प्शन के मान लो, मतलब एक वीक टाइप्स मान लो, है ना, खत्म करेंगे भाई। फिर दूसरा क्रैश कोर्स भी तो लगवाना है कि एमटी पढ़ते रहेंगे, वो एमटी मैंने डिटेल में इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि चीज़ें मिसिंग थी, वरना क्रैश कोर्स तो आप जानते ही हैं कि किस स्पीड से चलता है, ठीक। चल, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल के आ रही है, ठीक है, तो ये आप यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिएगा यहां पे बचेगा मेरे पास डी टी माइनस डब्ल्यू डी बी अपॉन ए डी एक्स अपॉन एन, एन की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करोगे आप, लिमिट लेंगे एक्स सी आर से। अब देखिए बोलेगा क्या आपको, आपको बोलेगा कि मॉइस्चर कंटेंट फाइनल है तुम्हारा एक्स एफ, यहां तक आप मेरे को टाइम बताओ ड्राइंग का कि मैंने इनिशियल से स्टार्ट किया था, एक्स आई से स्टार्ट किया था
मेरे को एक्स एफ तक जाना है तो मेरे को ड्राइंग का टाइम बताओ। तो आप कहोगे कि एक्स सी आर और एक्स आई के बीच कॉन्स्टेंट रेट है, कॉन्स्टेंट रेट के लिए मैं ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव कर चुका हूँ। दूसरी चीज, एक्स सी आर से एक्स एफ तक फॉलिंग रेट है, वो मैं आपके लिए ड्राइव कर रहा हूँ। लिमिट क्या लिखूंगा, एक्स सी आर से एक्स एफ। टाइम की लिमिट बताओ क्या लिखूंगा, टाइम की लिमिट टी सी से टी एफ। टी एफ क्या है, फॉलिंग रेट का टाइम, टी सी क्या है, कॉन्स्टेंट रेट का टाइम। ये सही है कि नहीं मेरे को ये बताओ, लिमिट सही है कि नहीं। एम टी के बाद कौन सा सब्जेक्ट, यार अभी सब्जेक्ट बताना तो मुश्किल है, आपको इन्फॉर्म कर देंगे एम टी के बाद कौन सा। तो मेरे को ये बताओ पहले कि लिमिट सही है कि नहीं, ये लिमिट्स जो लिखी हैं आर दिस करेक्ट और नॉट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर दिस लिमिट्स करेक्ट और नॉट, जल्दी से बताओ और जाओ छुट्टी, ठीक है ना। मेरे को लिमिट बताओ सही है कि नहीं। कि मेरे को फॉलिंग रेट का टाइम चाहिए, टोटल टाइम ऑफ ड्राइंग क्या रहेगा नेक्स्ट वो बात करूंगा, पहले मेरे को लिमिट बताओ सही है कि नहीं, ये लिमिट टीसी से टीएफ सही रखी है कि नहीं, बताइए। नहीं बता रहे हो, ठीक, लिमिट सही रखी है कि नहीं, क्या आएगी लिमिट, लिमिट क्या आएगी। नहीं 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 संदीप, ओ सॉरी ओमकर, नहीं टाइम इक्विलिब्रियम तक नहीं, नहीं नहीं डिस्टिलेशन में सारी चीज़ें कवर करवाई हैं, ठीक है ना, पहले भी सारी चीज़ें कवर कराई हैं। अब भाई ऐसा तो होगा नहीं कि यार कोई रट के बैठा हूँ तो हर बार एक जैसा, ठीक, कुछ ना कुछ इधर उधर तो हो ही जाता है पढ़ाने में, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, वैसे मिस तो नहीं होती हैं लेकिन थोड़ा सा बदल जाता है पढ़ाने का तरीका। हर बार पढ़ाओगे ना तो ये, मैं अगर इसको दोबारा से पढ़ाऊँगा तो फिर कुछ अलग तरीके से हो जाएगा वो पढ़ाना, है ना। जीरो से टी, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, ठीक है ना। आपने ये फॉलिंग रेट की बात कर रहे हैं ना, आपने ये टीसी टाइम तो ऑलरेडी आप यूज कर चुके हैं कॉन्स्टेंट रेट में, आपको बस फॉलिंग रेट पीरियड का टाइम निकालना है ना भाई। तो फॉलिंग रेट पीरियड का टाइम निकालना है तो लोअर लिमिट टीसी क्यों ले रहे हो, टीसी तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, यहां पे ये निकाल चुके हो आप भाई, क्या कर रहे हो। तो यहां पे जो लिमिट आएगी दिस विल बी जीरो, ये सही है टीएफ, जीरो से टीएफ विल बी द लिमिट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। हाँ सही कह रहे हो, ठीक। सो टोटल टाइम ऑफ ड्राइंग, टोटल टाइम ऑफ ड्राइंग टीसी प्लस टीएफ, दिस इज द टोटल टाइम ऑफ ड्राइंग, ठीक। अब इसको अपन क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला ड्राइव नहीं कर रहा, फालतू आपको याद करना पड़े वो चीज नहीं करूंगा, कंसेप्ट बता दिया है, सारे क्वेश्चन मैं कंसेप्ट से ही सॉल्व करूंगा। वो जो फॉर्मूला है ना लॉग वगैरह वाला, वो मैं नहीं बताने वाला, जरूरत ही नहीं है वो सब याद करने की। सिंपल अपन क्वेश्चन कल देखेंगे, कल अपन सिंपली इसी इक्वेशन से क्वेश्चंस बनाएंगे, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक। सो दिस इज अबाउट फॉलिंग रेट पीरियड, ठीक। अच्छा प्लीज रिपीट दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा लिमिट समझ नहीं आया, ठीक, बोलो ना भैया बोलो ना, चलो समझिए। सो जिन्हें लिमिट समझ आ गया है वो जा सकते हैं, ठीक, थैंक यू गाइस, जिन्हें नहीं आया है समझ लो दोबारा, ठीक। कल अपन क्वेश्चंस करेंगे ड्राइंग के और खत्म करेंगे ड्राइंग को। लिमिट जीरो से टीएफ इसलिए है, हमने कॉन्स्टेंट रेट के लिए
जीरो से टीसी लिया था, मतलब हम कांस्टेंट रेट का टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हम कांस्टेंट रेट का टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना भाई। टीसी कौन सा टाइम था? कांस्टेंट रेट का टाइम था। कांस्टेंट रेट कहां से कहां तक है? एक्सआई से एक्सईआर तक। ये ऑलरेडी टाइम में निकाल चुका हूं। अब मैं आ गया हूं फॉलिंग रेट में, ये टाइम मैंने निकाल के एक जगह लिख लिया, ठीक, एक जगह मैंने निकाल के लिख लिया टीसी। अब मेरे लिए नई शुरुआत है कि अब मैं दोबारा टाइमर लेके बैठा हूं कि यहां से एक्सीआर से आपका एक्सएफ तक कितना टाइम लगेगा फॉलिंग रेट में, अब मैं टाइमर लेके वो नोट कर रहा हूं, ठीक। आप टीसी से टीएफ नहीं ले सकते, क्यों? टीसी टाइम है ये कांस्टेंट रेट से लेके पूरे फाइनल वैल्यू तक का, पर टीसी तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। क्यों अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहां पे कांस्टेंट रेट है, एक्सीआर के बाद रेट बदल गया, रेट बदल गया, तो रेट बदल गया तो मैं फॉलिंग रेट के लिए टाइम टीएफ ले रहा हूं, ठीक। मैं घड़ी लेके बैठा था, मैंने पहले कांस्टेंट रेट सॉल्व कर लिया, फिर मैं दोबारा यहां पे घड़ी को रीसेट किया जीरो पे, टीएफ सॉल्व कर लिया। टोटल टाइम ऑफ ड्राइंग मुझसे पूछा है, दोनों टाइम को मैंने जोड़ दिया, खत्म बात। समझ आया कि नहीं? हाँ, कहीं भी हो सकता है अर्शद, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये टीएफ जो है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, वो बोलेगा कि मेरे को एक्सएफ मॉइस्चर कंटेंट तक टाइम बताओ, कहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन देखेंगे ना। हाँ, ड्राइंग की सारी कर बैकवर्ड से इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है हमारा, क्योंकि जाहिर सी बात है मॉइस्चर कंटेंट कम होता है ना, ठीक है। ठीक है ना सर, इन टू डिफरेंट फॉलिंग रेट पीरियड्स इज इट पॉसिबल टू फाइंड टाइम्स? हाँ, कर सकते हैं मीनाक्षी। अगर वो दो फॉलिंग रेट बोलेगा लीनियर तो आपको फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक, फिर अलग अलग निकालना पड़ेगा, कर सकते हैं, ठीक, कोई इशू नहीं। सब टीएफ का ग्राफ भी तो टीसी से नहीं, टीसी से शुरू नहीं हो रहा है यार, आपने ये समझो ना, ये वाला टाइम निकाल लिया ऑलरेडी, आप ये वाला टाइम निकाल चुके हैं, ठीक। अब आप रीसेट कर रहे हैं जीरो पे, आप यहां से चले थे, आप यहां से एक्सआई से चले थे, आप एक्सीआर तक आ गए, ठीक, ये टाइम आपने निकाल लिया। आप घर से चालू हुए, एक्सआई पॉइंट आपका घर है, आप चलते चलते एक्सीआर तक पहुंचे, वो टाइम आपने निकाल लिया टीसी। घड़ी ने देखा एक घंटा हो रहा था, ठीक है, अब आपने घड़ी को रीसेट किया, अब आपको उसी पॉइंट से एक्सएफ तक जाना है, फिर घड़ी चालू की है, चल दिए, फिर से पहुंच गए एक्सएफ, घड़ी बंद की है, टाइम देखे, वो टाइम है टीएफ। टोटल टाइम मैं आपसे पूछूं जर्नी का, टीसी प्लस टीएफ, सिंपल सी बात, ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम बिलो क्रिटिकल मॉइस्चर सेम रहेगा या डिफरेंट? सेम ही रहना चाहिए, क्योंकि लिक्विड फेज भी रहेगा, गैस फेज भी रहेगा, एंड आपका सॉलिड भी रहेगा। टू डिफरेंट फॉलिंग रेट पीरियड पर एनसी क्या लेंगे? एनसी तो वही आएगा यार, एनसी तो वही आएगा, वैसे ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है जो ये पूछ रही है, ऐसा सवाल पूछा नहीं जाएगा, पर फिर भी ये लो दो फॉलिंग रेट, उस केस में आपके लिए ये वैल्यू पता होना जरूरी है, ठीक है ना।
उस केस में ये वैल्यू पता होना जरूरी है, ये वाली, दिस शुड बी नोन, तभी तो स्लोप वगैरह निकालोगे। स्लोप कैसे निकालोगे? ये वैल्यू और ये वैल्यू, ठीक। सो फॉलिंग रेट के लिए ऑलवेज लीनियरली ग्राफ, देखो सुरुचि लीनियर ही आएगा मोस्टली, मोस्टली क्या बहुत केसेस में, क्योंकि ये स्लोप वगैरह लीनियर के लिए निकालना आसान है, टाइम वगैरह निकालना है तो लीनियर के लिए आसान रहता है, ठीक है ना। सर इफ टू फॉलोइंग रेट पे आर नॉट देन वी कैन, हाँ तब नहीं फाइंड कर सकते, पॉसिबल नहीं है, ठीक। सर पर जो दोनों लोअर लिमिट जीरो हैं, लोअर लिमिट जीरो इसलिए लिए हैं कि क्योंकि आप दो प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं ना, आप प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हैं टाइम की, यहां तक टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया, वही तो बताएं, यहां तक कैलकुलेट कर लिया आपने, अलग रखा उस टाइम को, यहां तक कैलकुलेट कर लिया उस टाइम को अलग रखा, ठीक, इसलिए जीरो से ली, आप दोनों टाइम अलग अलग देख रहे हैं, टोटल टाइम आप दोनों को जोड़ रहे हैं, मतलब ये समझो कि आपने एक वुड ली थी, उसको पहले कॉन्स्टेंट रेट पीरियड में ड्राई कर लिया, ठीक, ड्राई कर लिया, आपका मन नहीं है अभी और आगे बढ़ने का, आपने उस टाइम को टीसी बोल दिया, ठीक, ड्राई कर लिया आपने, अब उसने वुड को छोड़ दिया, अब आए आप आराम से, फिर वो वुड उठाई, फिर उसको ड्राई करना चालू कर दिए, अब उसको क्रिटिकल तक है, तो अब उसका फॉलिंग रेट वाला टाइम आएगा, इसलिए जीरो से टीएफ लिया, ठीक, अलग अलग प्रोसेसेस है ना, ठीक है ना। चलो तो हीट ट्रांसफर एक्सपेक्ट क्या है यार, मतलब एक्सपेक्ट ड्राइंग समझा, मतलब वो आता नहीं है यार, तो फिर क्या मतलब है उस चीज का, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही नहीं वो, हीट ट्रांसफर का जो एस्पेक्ट है कभी नहीं पूछा ही नहीं गया, ठीक। चलो तो भाई फिर मिलते हैं अपन कब, चलो गाइस फिर मिलेंगे अपन कब, नेक्स्ट लेक्चर में कल और क्या, ठीक। सो आई होप कि ये सब सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, इसका पीडीएफ मैं पहुंचा दूंगा और इस वीडियो को मैं सीरीज़ में डलवा देता हूँ, है ना, ठीक है ना। चलो गाइस फिर अपन मिलते हैं कल, कल क्वेश्चंस करेंगे, ये प्रिपेयर करके आना, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके आना, आप लोग ही करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है ना, आप लोग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक। चलो भाई, सो ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, और आज सारा मटेरियल मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक। थैंक यू यार, सभी लोगों को थैंक यू जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, हाँ पीडीएफ सेंड कर देंगे, है ना। चलो भाई फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इन्जॉय करो।